With one of the best exercise for your core and lower back. Compound movement इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें at a time एक ही movement में कई सारे muscles involved हो रहे हैं, जिसमें दो muscles से ज़्यादा muscles लगे जिस भी workout में, it's called compound. सेम होगा लेकिन वेरिएंट हो जाएगा. जैसे अब हम क्लोज करेंगे तो फिर लेटर मसल, अभी हम वाइड कर रहे थे तो देख रहे थे ना बीच का ये मिड मसल, यहाँ ये टारगेट हो रहा था, ये पर्टिकुलर मसल आपका टारगेट होगा ये जब हम वाइड करेंगे. अब हम क्लोज करेंगे तो ये मसल टारगेट होगा यहाँ से. चलो फिर अब देखो सो सो गो सो बॉडी पीछे से बहुत अच्छी दिखती है. आगे से क्या हो रहा है, आगे से तुम्हारा ये चेस्ट का जो शेप है उसकी वजह से फ्लैट पे करते हैं. अब इसमें एक ये भी वेरिएशन है, सेम वही मसल चल रहा है, मैं वेरिएशन ये हो गया. अब इसमें क्या हो गया, बैक सपोर्ट पूरा हट गया. अब हमने सिर्फ जो इंटायर बॉडी है वो यहाँ पर हैंग कर दी. अब हैंग करके अब हम करेंगे, अब हम मसल को इस एक्सरसाइज में ज्यादा टारगेट करेंगे. बेंड रखेंगे एल्बो ताकि एल्बो प्रेशर नहीं. अब जाओ स्लो, जाओ ये वापस आओ, गो स्लो, ये फ्री था, चलो जाने तो स्लो. ये अब क्या होगा, आपके रिब्स तक ये कनेक्ट होगा, टू एट रिब्स पूरी कनेक्ट होंगी. ये इसमें जरा हिप्स ऊपर करेंगे तो क्या, हिप्स ऊपर करोगे तो आपका जो ये रिब्स और लोअर एब्स के ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ खाली बस यही रहेगा. अभी हमने क्या किया, आपका ये जो सेपरेशन था ये वाला पार्ट इसको भी हमने इन्वॉल्व कर दिया, रिब्स से लेकर के सैरेटस और लैट्स तक यहां से इस साइड से देखो ये
लगा के जब आप इस रेंज के ऊपर तो ये हाइपर है एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन ये होगा एक्सटेंशन होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन आप एक्स्ट्रा जो आप पीछे हाइप करते हो एक अच्छा वेरिएशन है वो नॉट फॉर बिगिनर्स एडवांस है अगर आप तो कर सकते हैं बेटर रहेगा अगर आप एडवांस हैम्स इन्वॉल्व होगा हैम्स आल्सो सपोर्टिंग हैम्स भी इन्वॉल्व होगा लेकिन अगर आप हैम्स पर टारगेट करोगे तो हैम्स होगा अभी क्या कर रहे हो अभी हम सिर्फ लोअर बैक पे कर रहे हैं हैम में जब हम इसको टारगेट करेंगे फोकस करेंगे हैम्स पे तो फिर हैम्स कनेक्ट होने लगेगा क्या फिर हम नीचे जाकर के ज्यादा ऊपर नहीं आएंगे फिर हम नीचे से बस एक रेंज तक आएंगे हैम्स टारगेट होगा अभी हम क्या कर रहे हैं टारगेट आपने बैक यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ से नीचे आके सिर्फ बैक तक कर रहे हैं जैसे कि हम अगर बाइसेप और ट्राइसेप में फोकस करते हैं कि बाइसेप में अगर हम लेते हैं हैमर अगर हम हैमर करते हैं तो फॉर्म ये है हमारी हैमर में बाइसेप्स कनेक्ट हो रहा है बाइसेप ब्रैकेटलेस लेकिन अगर हम इसी को ट्राइसेप्स करना होगा तो हमने क्या किया फॉर्म यही होती है सिर्फ क्या किया हमने एल्बो यहाँ चली गई अब ट्राइसेप्स कनेक्ट हो गया है ना यही तो हुआ ना ये हैमर की पोजिशन है यहाँ बाइसेप्स कनेक्ट हो रहा है बस हमने क्या किया सिर्फ एल्बो यहाँ चली गई एल्बो थोड़ी सी एक्सटेंड किया मूवमेंट वही है बट क्या हुआ प्रेशर चेंज हो गया अब राइट करके आएगा ऊपर ये यस 4 लीटर पी लेगा तो दिन पूरे बताओ ना दौड़ दौड़ के वॉशरूम जाता रहेगा चल यस कम ऑन 7 6 लंबर्स लोअर बैक को हम टारगेट करते हैं अब इसमें और क्या ठीक हो रहा है और क्या सही कर सकते हैं नीज क्या कर सकते हो तो थोड़ी फोल्ड कर लेंगे तो बैक पर प्रेशर और कम हो जाएगा और हैमस्ट्रिंग जो कनेक्ट हो रहा है ज्यादा हैमस्ट्रिंग कनेक्ट होगा अभी क्या हो रहा है अभी इसमें अगर हम जितना नीज सीधा रखेंगे उसमें हैम्स और ग्लूट ज्यादा कनेक्ट होगा हैम्स और ग्लूट ज्यादा कनेक्ट होगा अगर हम इसको इसी लगा अगर इसको थोड़ा सॉफ्ट फोल्ड कर लेंगे तो हैमस्ट्रिंग रिलैक्स हो जाएगा अब सिर्फ आपका बैक इन्वॉल्व होगा हिप पीछे बस अब जाओ अब उठो ये फोल्डर में अब जाओ ये फिर ऊपर तो गुड बॉडी आगे कुछ नहीं करना है हाँ